नमस्ते yes. आज Hello everyone. कैसी जी को याद कर रहे हैं हम, और मैंने सामने स्क्रीन पर कैसी जी की फोटो रखी हुई है, और कैसी जी के लिए वरेण्यम एग्जाम टाइम है, पर भी ही ऑल्सो हैव सम शेयरिंग्स फॉर कैसी जी. तो शुरुआत करते हैं, हम कुछ पहले सुना देते हैं बाद में जो कैसी जी का काम है. तो मुझे शाम के अलावा और कोई नाम नहीं सूझा. रमेश भाई लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो और शाम, तो मैंने सोचा शाम इज अ वेरी गुड परकशनिस्ट, और उनके लिए, उनके साथ पूरा हम आज का समय बिताएंगे. तो मैं डिटेल में बाद में शाम के बारे में बताऊंगा, शाम की क्या इंटरेक्शन है. सबसे पहले मैं वरेण्यम से बात करके उनको वरेण्यम की जो एक्सपीरियंसेस है कैसी जी के साथ. सो वरेण्यम, सॉरी, उसके पहले मैं कैसी जी के बारे में बता दूं कि मैं कुछ एक गाने बोल देता हूं. ऐ सागर की लहरों, खेल खेल में, उसमें एक गाना था. वैसे तो सारे ही गाने, पर खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, और दिल लेना खेल है, दिलदार का सिंथेसाइजर जिसमें था, है अपना दिल तो आवारा, कितना प्यारा वादा, नहीं नहीं अभी नहीं, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, बेकरार करके हमें, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना. और वो जो लाइटर वाला गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, वो वाला गाना है. सो वरेण्यम, टेल मी, व्हाट आर योर मेमोरीज विद कैसी जी, एंड व्हाट वुड यू वांट टू प्ले फॉर कैसी जी, कुछ बजाना चाहोगे? वो हम करते हैं, बट सबसे पहले सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक ऑनर से बहुत ज़्यादा बढ़ के है कि आज मैं उनका नाम ले सकता हूँ, कैसी लॉर्ड. क्योंकि नाउ दैट आई एम ग्रोइंग अप, आई मीन आई एम स्टिल एज अ म्यूजिशियन, आई एम स्टिल ग्रोइंग अप, इट इज़, अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि रियली क्या क्या पावर हाउस था वो, एंड क्या मतलब एक सन जैसा ही था एज फार एज म्यूजिक इज कंसर्न. और अभी तक मेरे लाइफ में, मतलब स्पेशली व्हेन आई वाज यंगर, कैसी लॉर्ड, द कैसी लॉर्ड वाज जस्ट कैसी अंकल फॉर मी. ही वाज जस्ट अनदर फन लविंग एंड क्यूट ग्रैंडफादर फिगर दैट आई हैड इन माय लाइफ, एंड यू नो वी'ड मीट एट शोज, एंड वी आल्सो हैड द प्लेजर, हमारे पास ये प्लेजर था कि हम उनके साथ एक ग्रुप में हो, और वो हमें कॉमेडी वीडियोज और वो सारे अलग अलग टाइप के पोस्ट हमें शेयर करते थे अप अंटिल हिज पासिंग. सो हम उनके कॉन्टैक्ट में रहे, बट अभी जब मैं देखता हूँ तो आई जस्ट रियलाइज वॉट अ ट्रूली लेजेंड, आई मीन लेजेंड इज स्टिल अ लेस वर्ड, बट क्या क्या उनका ये था. और मेरा ये प्रेशर रहा है कि आई गेट टू लिव इन द सेम एरा एज हिम, एंड आई गेट टू एक्सपीरियंस द वंडर्स दैट ही डिड विद म्यूजिक. अभी भी मेरे जनरेशन के भी जो म्यूजिशियंस हैं, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह इवन बैक इन द डे जो उन्होंने हार्मोनाइजेशन किए थे, स्पेशली राइट नाउ आई मीन टू जैज़ री हार्मोनाइजेशन एंड स्टफ लाइक दैट,
तो जिस तरह वो हार्मोनाइज करते थे, मतलब इट वाज सो रिच, इट वाज सो आउट ऑफ द नॉर्म, एंड इट हैड दिस फ्लेवर ऑफ जैज इन इट. सो आई मीन वो जो रिहार्मोनाइज करते थे, इट्स एन इंस्पिरेशन टू मी. और उस टाइम में वो करना, और उस टाइप के म्यूजिक के साथ करना कि यहाँ तबला चल रहा है, शास्त्रीय चल रहा है, और वहाँ उन्होंने स्ट्रिंग्स में रिहार्मोनाइज किया है. और ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, यू नो, कंसिडरिंग द ह्यूज अमाउंट्स ऑफ चेंजेस दैट इज डन. वन एग्जांपल वुड बी जैसे आप, ये बहुत ओवरलुक की हुई चीज है तुम, बट देयर इज अ सी माइनर मेजर सेवन. तो ये सी माइनर मेजर सेवन बॉलीवुड के गानों में होना कितनी बड़ी बात है. आई मीन सी माइनर मेजर सेवन इज अ वेरी स्टेपल जैज कॉर्ड, एंड इट्स यू आई मीन जोपास टाइप के लोग ये कॉर्ड यूज करते हैं, एंड वी गेट टू फाइंड दैट इन आवर म्यूजिक. इट्स बिकॉज ऑफ हिज रीहार्मोनाइजेशन. तो नाउ दैट आई मैं देखता हूँ उनको, तो और धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ, मैं कभी पूरा समझ पाऊंगा नहीं उनके टैलेंट को, आई एम श्योर अबाउट दैट, बट जितना भी आई कैन कॉम्प्रिहेंड इज, आई मीन आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स, एंड इट वॉज जस्ट माई प्लेजर टू बी इन द सेम सीट एज हिम. उन्होंने मुझे अपनी गोदी में भी बिठाया है, तो ये मेरे लिए एक ऐसी बात है कि मैं अभी बिलीव ही नहीं कर सकता कि इस लेवल के म्यूजिशियन ने मुझे मुझे दुबई, आई हैड द चांस ऑफ मीटिंग हिम एंड टू टॉक विद हिम. आपका गाना भी सुना उन्होंने, एग्जैक्टली कोई शो में आए थे, हाँ, यस, ये सीन मैसूर ऑडिटोरियम में. यस, तो ये मेरा एक प्लेजर से भी ज्यादा बढ़ के है. और जस्ट आई मीन व्हाट कैन आई से, आई कैन नॉट से. डू यू माइंड एनीथिंग. प्लेइंग समथिंग फॉर हिम या श्योर कंट्रीब्यूट मे बी इन अ डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन ओके, डिस्टॉर्शन या वी कैन डू समथिंग देयर. You can wind up. Yes,
तो मैं शाम से कुछ पूछना चाहूंगा। शाम, तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस रहे एंड यस, कैसी जी के बारे फर्स्ट में? ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मैं इतने बड़े व्यक्ति के साथ में, ग्रेट ग्रेट पर्कशन प्लेयर, ग्रेट मेलोडी प्लेयर, ग्रेट अरेंजर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे प्लेइंग को लाइक भी किया उन्होंने, और हर शो में आते थे। सेकंड थिंग, उनके साथ बजाने से बहुत नॉलेज मिला मुझे, क्योंकि हम लोग एक एल्बम कर रहे थे राहुल शर्मा पंडित शिव कुमार के बेटे के साथ में, राहुल शर्मा जी का जेन एल्बम था। तो आई प्ले, मैं कुछ कॉर्क, एक वेव ड्रम्स करके कॉर्क का है, उसे मैंने बेस का कुछ स्टाइल्स बजा दिया। तो केसी जी ने बोला, शाम जी तू बजा बेस, मैं कीबोर्ड में से जो प्रोग्रामिंग किया वो मैं बेस हटा रहा हूँ, यू प्ले द लाइव। सो आई प्ले द लाइव बेस विद बिग बॉस केएलसी लॉर्ड जी, आई एम वेरी थैंकफुल, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला। आई एम सो लकी कि उनके साथ वक्त निकाला मैं उनके साथ, एंड मेरे ख्याल से ऐसे ग्रेट लेजेंड अब पैदा नहीं होगा शायद। कैसी जी का बॉन्गो का ग्रेट बॉम्बे, कौन सा गाना प्रभावित करता है तुम्हें? मुझे एक एक गाना है डॉक्टर विद्या में, वो उसमें उन्होंने गाने में एकॉर्डियन बजा हुआ है और गाने में बोंगो कावाजी ने बजाया है उनके डैडी ने, और कोड़ा में लेस्ली बाबा ने ड्रम बजाया हुआ है, और बोंगो सोलो बाय केएलसी लॉर्ड, ग्रेट केएलसी लॉर्ड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत मुश्किल बजाया हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और चाहे कोई ना, जो जंगली कहे जो बोंगो का पार्ट हाँ, है, जो यस, पिकअप भी उनका है, टका टका टक, जो पिकअप है वो उनका है। केसी लॉर्ड वाज ग्रेट बोंगो प्लेयर, ग्रेट जैज ड्रमर, एक्चुअली केसी जी वाज अ जैज ड्रमर, यस। और बोंगो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, परकशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कोई ऐसा स्टाइल जो तुम बजा के दिखा सकते हो कि वो तुम्हें उनसे वो प्रेरित प्रेरणा मिली उससे? यस, उनका एक वो बोलते थे, हम जो म्यूट प्लेइंग था बोंगो में, ऐसा प्लेइंग था, ये उनके स्टाइल, उनके लॉर्ड फैमिली से आया हुआ है ये। चाहे कोई मुझे जंगली करे, उनका एक वजन अलग था बजाने का, सब लोग ऐसा नहीं है, ओह वाह, दे वेर ग्रेट। उन्होंने बोंगो भी एक अपना स्टाइल से बजाया हुआ है, मैं बहुत कुछ उनसे सीखा और उनसे, कोई ऐसा मतलब गाना है जो तुम्हें ऐसा याद आता है कि जो बॉन्गो या जिसमें ऐसा है कि नहीं वो बहुत ही प्रभावित करने वाला था? हाँ, उन्होंने एक्चुअली बहुत गाने में बोंगो बजाया हुआ है, बट कोई किसी को पता ही नहीं है। कुछ कुछ गाने हैं जो शंकर जी यस किशन के कुछ गाने हैं ओ उन्होंने बोंगो बजाया हुआ है। ओ माय गॉड, हाँ, और उनके डैडी को सुन के ही मैं, जो कुछ मुझे मालूम है बोंगो में, मैं उनको बहुत स्टडी किया हूँ, उनके स्टाइल्स, उनके म्यूट कैसा होना चाहिए बोंगो में, ओपन नोट्स कैसे होने चाहिए, डैम कैसे बजना चाहिए, बोंगो डैम कैसा बजे, ओपन नोट कैसे, फिंगरिंग कैसे यूज करें, वाह ये कावस जी का स्टाइल था। और फिर केसी जी का एक ड्रमिंग, जैसा तीसरी मंजिल में एक गाना है तुमने मुझे देखा, तुमने, उन्होंने ड्रम्स बजाया हुआ है, करेक्ट और फिर ये दिल देखो देखो दिल देखो करेक्ट, देखो, उसमें उषा खन्ना के लिए उन्होंने एक ड्रम सोलो बजाया हुआ है। ऐसे बहुत से गाने जो एस डी बर्मन के भी हैं जिसमें केसी जी ने ड्रम सोलो भी बजाया हुआ वाह। बाय द वे, एक मिनट, मैं जितने भी म्यूजिशियंस हैं मैं उनको बोलूंगा कि आप प्लीज डू शेयर इट ऑन योर पेज, आपके टाइमलाइन पे या आपका पेज है तो पेज के ऊपर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कैसी जी के बारे में जिनके पास इंफॉर्मेशंस नहीं है। सो प्लीज डू शेयर। यस, सॉरी, सेकंड थिंग, हैप्पी बर्थडे टू बिग बॉस यस केएलसी लॉर्ड जी। यस, उन्होंने एक शो मेरे डोंबिवली में, अभी पंचम दा नाइट था मेरा, एंड उस दिन उनका जन्मदिन था 14 फेब, और वो शो था डोंबिवली में,
यू विल नॉट बिलीव, वो मेरे लिए डोंबिवली आए थे शो देखने. आई वॉज सो थैंकफुल टू लॉर्ड फैमिली कि इतने बड़े लोग, इतने एक्चुअली ये लॉर्ड फैमिली का अगर पार्ट निकाल देंगे तो सब गाना अधूरा हो जाएगा. इनका इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है लॉर्ड फैमिली का मैक्सिमम. यस पल्लव जी, यस. तो मैं क्या सोच रहा था, इस बीच में एक गाना भी हम लोग उनका एक जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये मेरा दिल प्यार का दीवाना. हाँ ओके. वन टू थ्री. गाना पंचमदा का जो कैसीदा ने बजाया हुआ, प्लीज किसी को सुनना है तो प्लीज बताइएगा. एंड यस, तो और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कौन सा उनका स्टाइल अच्छा लगा था? बाद में मैं कुछ शेयर करूंगा कैसी जी के बारे में. ऑफ कोर्स उन्होंने ड्रमिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इवन कुछ कुछ स्मॉल पर्कशंस भी, जैसे टैम्बरीन है, कैस्टनट्स है, उन्होंने बजाया है बहुत से गाने में, बहुत से गाने में बजाया. ओह यस 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 यस. जब उनके डैडी ताज में परफॉर्म करते थे बैंड के साथ में, तो एक स्पैनिश कुछ म्यूजिशियंस थे, उनके डैड ने वो स्टाइल वहां से सीख लिया जो कैस्टनट्स का स्टाइल है. तो ये आप सोचो ओरिजिनल स्टाइल्स बजाते हैं. Castanets were very difficult to with play with the two hands and perfect patterns, you know. Jo ye family actually great family, Lord family is a great family. Wow. Aur ek baat hai ki aaj hum us cheez ko sun chuke hain itne saal ke baad. Yeah, yeah. Par wo zamane mein to wo cheez nahi introduce ho rahi thi, kisi ne uske pehle bajaya nahi tha. Nahi tha. To us wajah se us cheez ko hum bahut hi second thing, ye family ne western music liya hai. लैटिन स्टाइल का उस जमाने में सी रामचंद्र के कुछ कुछ गाने में जो वेस्टर्न स्टाइल बजे हुए, ये वेस्टर्न बैंड प्लस लॉर्ड फैमिली. मैं ये सोच रहा था कि व्हाई शुड नॉट वी प्ले अ बिट ऑफ, मैं आपको एक पियानो पैटर्न देता हूँ लैटिन के लिए. आने खसे पंखों पर सो विचार से एक के बे नंबर बेटा साइड में आ जाओ बेटा. ओका आओ 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 बस. So, maybe.
के अंदर. एंड मैं जानता हूँ श्याम, यू आर प्रोबेबली सेल्फ टॉट पर्सन, बाद में आपने इन्फ्लुएंसेस लेना शुरू किया. Yes, पर फिंगर में, जैसे फिंगर छोटे छोटे फिंगर्स में वर्क करते हैं या उस तरह के जो काम है, वो जहां तक मैंने तुमसे बातें सुनी है तो कैसी जी से, कावस जी से आप काफी इन्फ्लुएंस्ड है. सो वुड यू माइंड प्लेइंग दोस छोटा छोटा डिटेल वर्क जिसके ऊपर कैसी जी आपकी वो प्लेइंग को पसंद करते थे. जो स्टाइल था फिंगर, I can't get the skin sound. तो skin में बहुत variations मिलते हैं, up and downs. Okay. फिंगर टेक्निक इसमें थोड़ा फोक स्टाइल बजा के देखते हैं. यही कहते थे कि शाम हैड
great uniqueness in his tonality of his playing. और सबसे बड़ी बात थी कि इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, he used to encourage. मुझे याद है जब रमेश भाई रमेश अय्यर जी मुझे स्टूडियो में बोला था, स्टूडियो में आ जाना तू 10:30-11 बजे. तो फिल्म सेंटर में गया था मैं और कैसी जी बैठे हुए थे और मैं तो एक बीट चुक गया उनको देखते ही. अरे यार ये तो द कैसी लॉर्ड है, जैसे वरे ने हमने अभी कहा, सेम फीलिंग थी मेरी. और बाद में रमेश भाई ने कहा, रमेश भाई बहुत अच्छा बजाता था. मैंने कहा कि कहाँ ऐसे सूरज के पास छोटा सा ही चिंटू मिंटू दिया. बट दे यूज टू एनकरेज, क्योंकि ये इन्हीं वजह से हम लोग, तभी समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था तारीफ करने के लिए तारीफ करते हैं. पर ओके लेट्स एक हैप्पी बर्थडे बजा दें. ओके ओके मैं उनके लिए पहले तो बर्थडे सॉन्ग. यस थोड़े से, जैसे अभी मुझे उनका एक उनका वो जो सिंथेसाइजर एक गाने में बजाया है तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है. के लिए याद रखे जाएंगे, सारे गाने वैसे ही हैं, पर एक गाना ऐसा है कि जिससे उनको आइडेंटिटी मिली थी और आम आदमी तक वो बात पहुंच गई थी. और वो गाना है आप सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि वो टोन बजा तो ही मजा. Thank you.
वो टोन ढूंढना हाँ हाँ नहीं नहीं आराम से यहाँ बहुत सारे काम नीड दैट ओ ओ तो ये काम कर हाँ तो वो स्टाइल का बजाना पड़ेगा आराम से बजा ओनली 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 मेलोडी ग्लोकेन स्पाइल हाँ ग्लोकेन चाहिए आई हैव टू गो टू साउंड मोड एंड देन ना सिमिलर साउंड मेलेट नो 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 मिल जाएगा साउंड तो ओके ये थैंक यू नहीं तभी मजा आएगा ना ये जो साउंड है इसके बाद जितनी भी लोरियां बनती थी